जयपुर में कार्यक्रम है। जैसलमेर से कार्यक्रम पूरा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में बीजेपी कार्य समिति को संबोधित भी करेंगे और अमित शाह इस दौरान दो अलग अलग कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे, जिसमें उनका पहला भाषण कार्य समिति के समापन सत्र में होगा, जबकि दूसरा भाषण बीजेपी के जन प्रतिनिधियों का होगा। और जैसलमेर से दोपहर 12 बजे अमित शाह जयपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से ही अमित शाह का रोड शो शुरू हो जाएगा। करीब 1.5 दर्जन जगहों पर उनका भव्य स्वागत का प्रबंध किया गया है। राजस्थानी लोक नृत्य, लोकगीत और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत होगा। अमित शाह करीब 2:15 बजे के करीब सीतापुर स्थित JECC कन्वेंशन हॉल भी पहुंचेंगे, प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे के करीब जनप्रतिनिधि महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में पार्टी करीब 10,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष शीश पुनिया के मुताबिक प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी की आगामी कार्य योजना, चुनावी योजना व पार्टी की मजबूती इत्यादि महत्वपूर्ण विषय है जिन पर चर्चा होगी। इससे पहले राजस्थान JECC कन्वेंशन सेंटर पर बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक कल से शुरू हुई। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, क्या कुछ जानकारी है जयपुर में, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, आज का दिन बीजेपी के लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पार्टी जिनको अपना चाणक्य मानती है, नीति नियंता मानती है और ये मानती है कि जिन्होंने सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई वो अमित शाह आज जयपुर आ रहे हैं। हालांकि पहले उनका BSF के राइजिंग डे में शामिल होने का कार्यक्रम है जैसलमेर में, वहां से 12:02 पर रवाना होंगे। और हालांकि पार्टी ने पहले से तैयारियां कर रखी है, 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पर। जवाहर सर्किल तक उनका बड़ा स्वागत होगा, राजस्थानी संस्कृति यहां पर साकार होगी। लेकिन इस स्वागत के अलावा जो आज सबसे खास बिंदु है वो दो है, दो भाषण है अमित शाह के। एक भाषण इन कैमरा होगा जिससे मीडिया को दूर रखा जाएगा, जो प्रदेश कार्य समिति में होगा। तकरीबन 450 लोगों को वो संबोधित करेंगे जो प्रदेश कार्य समिति में आए हैं। दूसरा भाषण जनप्रतिनिधि सम्मेलन का होगा, इसमें वो ये बताएंगे कि लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका है, उससे क्या अपेक्षा होती है। और साथ में जब से सहकारिता विभाग अलग हुआ है कृषि विभाग से, कृषि मंत्रालय से, उसके बाद में पहले मंत्री है वो सहकारिता मंत्री देश के, और ऐसी सूरत में सहकारिता से जुड़ी संस्थाओं के जो चेयरमैन है और दूसरे सदस्य हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे, तो उनको भी खास उम्मीद है कि सहकारिता के क्षेत्र में अमित शाह का क्या नजरिया है, क्या उम्मीद रखते हैं वो बताएंगे, उन लोगों को इसका मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए उत्साहित है, ऐसा इसलिए भी कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर 2023 में बीजेपी की सत्ता राजस्थान में वापस लाने में पार्टी को एकजुट रखने में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है तो वो अमित शाह हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पार्टी उनके नाम से, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो काम करने का तरीका है, उससे एकजुटता से काम करेगी। और एकजुटता किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए जरूरी होती है और यही कार्यकर्ता चाहता है कि संगठन एकजुट रहे। हालांकि कोर ग्रुप की बैठक भी लेना प्रस्तावित है लेकिन इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। शाम को 6:55 पर उनकी वापसी होगी और दिल्ली के लिए वो वापस उड़ान भरेंगे। उससे पहले एक बात ये आई पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, आधिकारिक सूचना नहीं दी गई इसकी कि 1-to-1 मीटिंग होगी, लेकिन जब संगठन के लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 1-to-1 मीटिंग करना अमित शाह का यहाँ पर संभव नहीं दिख रहा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 1-to-1 ज्यादा लोगों से करनी पड़ेगी, कम से कम कोर ग्रुप से करनी पड़ेगी और इतना समय वो यहाँ नहीं दे पा रहे। 1:30 से 6:30 बजे का समय बीजेपी के कार्यक्रम के लिए रिजर्व रखा गया है। उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि उनकी सुरक्षा को थ्रेट है। जैसलमेर में उनके दौरे से पहले 2 कश्मीरी युवक मिले थे, इससे भी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। कल जब सिक्योरिटी एजेंसियां जायजा ले रही थी तो उन्होंने कहा अपने मातहतों को कि इसको हल्के में ना लें, इस सुरक्षा को, कई बार आप सामान्य सुरक्षा समझ लेते हैं, इसे गंभीर थ्रेट समझी और उसी हिसाब से काम। ठीक है शशि मोहन, एक बात का जवाब और चाहिए कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हुई, जनक रोष रैली जो हर महीने की जाएगी बीजेपी की तरफ से, इसके बारे में क्या जानकारी, क्या मकसद है जन आक्रोश रैली का और हर महीने की जाएगी? ये चुनाव में 2 साल का वक्त बचा है और 2 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। 3 साल मौजूदा राज्य सरकार को सत्ता में आए हो गए हैं,
ऐसे में 3 साल में सरकार के खिलाफ कितना आक्रोश बढ़ा है उसको एक लिटमस टेस्ट के जरिए जानने की कोशिश पिछले दिनों अलग अलग समय में बीजेपी कर चुकी है। बीजेपी को लगता है कि वो इस आक्रोश को और ज्यादा व्यापक तरीके से जनता के बीच में पहुंचा सकती है। सरकार की जो कथित नाकामियां हैं जिनको बीजेपी अपनी नजर में नाकामी मानती है, उन नाकामियों को लेकर के जनता के बीच जाया जाएगा। हर महीने जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ज्यादा रैलियों से लोग पार्टी ज्यादा लोग जुटा पाएगी, क्या लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएगी, क्योंकि हर महीने रैली निकालना किसी भी पार्टी के लिए चुनौती से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रैली का मतलब तभी होता है जब वो भीड़ लाए, जब वो संख्या बल जुटाए, क्योंकि संख्या बल ही मैसेज देगा, दबाव समूह का काम करेगा। और अगर संख्या बल नहीं जुट पाया तो फिर ऐसे में पार्टी के लिए अप्रिय स्थितियां भी बन सकती है। लिहाजा बीजेपी इस पर विचार तो कर चुकी है और हर महीने के लिए तारीख के लिए भी कहा गया है, 14 दिसंबर तक तारीख मांगी गई है कि जनवरी में कब प्रदर्शन करेंगे, जिला अध्यक्षों को इस बात के निर्देश दिए गए। तो आने वाले समय में देखना होगा कि ये कब तक रेगुलर रह पाता है कि बीजेपी हर महीने जन आक्रोश रैली निकाल सके। ठीक है शशिमोहन, फिलहाल तक की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर महीने जन आक्रोश रैली होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी के लिए खास दिन है आज का प्रदेश बीजेपी के लिए, क्योंकि अमित शाह की तरफ से जो दो प्रोग्राम्स हैं जिसमें संबोधित किया जाएगा है, उसको केवल टर्म के रूप में परिभाषित किया है, लेकिन स्वागत उनका अच्छा होगा क्योंकि अरसे बाद आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती भारत की प्रदेश की जनता खुद पेश करेगी, समय आएगा जब, लेकिन उससे पहले भी अनेक अवसरों पर कांग्रेस को चुनौती मिलती रही है। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है कि किस तरीके से जो दिल्ली में होनी थी वो रैली राजस्थान में होगी, केवल ये जतलाने के लिए क्योंकि उनके पास केवल एक ऐसा स्टेट है जहाँ उनकी राजनीति है, जहाँ उनकी सरकार है, पर सरकार किस तरीके से चल रही है ये राजस्थान का किसान नौजवान बता सकता है, लखनऊ में जो ठंड में ठिठुरते हुए बेरोजगार बता सकते हैं, एक वानगी उनकी दिखती है। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक समय पास में आ गया, अमित शाह साहब का लंबे अंतराल के बाद राजस्थान की राजधानी में आना और बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण कैडर जो जनप्रतिनिधि उनको संबोधित करना और उनमें जिस प्रकार की ऊर्जा का संचार होगा उसका परिणाम यह होगा कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस पुराध के विरुद्ध में हम सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे उसको और तीखी और धारदार तरीके से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी एकाकार रूप से अब इस पुराध के विरुद्ध सड़क पर निकलेगी। क्योंकि एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल का परीक्षा चुनाव में होती है, इसलिए हम सतत ही चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा उसके लिए अपने संगठन की तैयारी और राजनीतिक तैयारी को हमेशा करते रहते हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के समापन में और कल जनप्रतिनिधि सम्मेलन के समापन में भी देश के गृहमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनको मैं कह सकता हूँ कि सहकारिता के मामले में जिन्होंने एक सूत्रपात करते हुए बड़े आंदोलन को बढ़ाने का काम किया, ऐसे हमारे अग्रणी कार्यकर्ता अमित शाह जी का मार्गदर्शन लेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय संगठन, चुनाव, राजनीति सब में सबको आगे बढ़ने का। अध्यक्ष पूर्व में रहे हैं और निश्चित रूप से राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और आने वाले 2023 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाए इस निमित्त ये सब कार्यक्रम है। कार्य समिति तो निश्चित रूप से है ही और कार्य समिति में राष्ट्रीय नेतृत्व का जब उद्बोधन मिलता है तो एक ऊर्जा लेकर के कार्यकर्ता जाता है और वो जो ऊर्जा है वो सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा देने का काम माननीय राष्ट्रीय जो हमारे गृह मंत्री है देश के वो करने वाले हैं और उन्हीं को सुनने के लिए आज सब लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। जागरूकता राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, एक सद्भावना पूरे राष्ट्र की तरफ, जनता के लिए सेवा भाव, इसको हमेशा जागृत करना पड़ता है। ये सब में होता है लेकिन उसको एक दिशा देना और लोगों को फिर से ललकारना, चुनौतियों को स्वीकार करना, ये एक किसी भी टीम के लिए, संगठन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर संगठन के जो सबसे श्रेष्ठ जो लीडर्स हैं वो जब आकर ये करते हैं तो अपने आप शरीर के अंदर एक अलग स्फूर्ति जगती है। तो बात करेंगे कांग्रेस रैली को लेकर।